आज मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी बीएस कुशवाहा ने थाना मक्खनपुर क्षेत्र जेवड़ा रोड पुल के पास टीम संग छापामार कार्यवाही करते हुए एक क्विंटल करीब पनीर पकड़ा, जिसके नकली होने की आशंका जताई। इसके साथ ही जांच को उसके सैंपल भी लिए। उन्होंने बताया कि फतेहाबाद में कोई किसान डेयरी करके है, फिरोजाबाद जनपद में पनीर की सप्लाई करते हैं, डेयरियों पर देते हैं पनीर। उन्हें सूचना मिली तो यहां आकर छापामार कार्यवाही की। जब पनीर का नमूना भरा गया तो उसमें देखा गया कि अनसेव आया मिल्क फैट के अलावा रिफाइंड भी पाया गया। बताया गया लगभग एक क्विंटल पनीर है, अधिकांश ये सप्लाई कर चुके हैं। बताया जेवड़ा रोड मक्खनपुर थाने के पास हाईवे से पकड़ा है, जांच को सैंपल भेजे गए हैं, रिपोर्ट आने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। टीम में उनके साथ रवि भान सिंह, अनिल कुमार टीम मौजूद रही। फिरोजाबाद से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट, SKH न्यूज। फतेहाबाद में कोई किसान डेयरी करके है, वो फिरोजाबाद जनपद में पनीर सप्लाई करते हैं, डेयरियों पर देते हैं पनीर जी। डेली इनकी गाड़ी आती है तो मुझे सूचना मिल रही थी कि और इनका पनीर का जब नमूना भरा गया तो अनसेफ आया, यानी पनीर में मिल्क फैट के अलावा रिफाइंड वगैरह भी है जी। कितना पनीर होगा लगभग? लगभग एक क्विंटल पनीर है, लेकिन अधिकांश पनीरें सप्लाई कर चुके हैं। इनकी फ्रीजर तो फ्रीजर में कम चार तीन चार क्विंटल पनीर आ जाता है जी। और कौन सी जगह पकड़ा गया ये? ये पकड़ा हमने मक्खनपुर थाने के पास हाईवे पर पकड़ा, और नमूने की कार्रवाई चल रही है, और रिपोर्ट फेल होने पर इनके विरुद्ध मुकदमा किया जाएगा।